नाउ लेट्स से हाय गुड मॉर्निंग। हमें आज हमें एट ICSE का मैथ्स का हम लोग चैप्टर कर रहे हैं 7.1, 7.2, 7.3 कर रहे हैं। ठीक है, तो वी विल डिटेल जंप टू द रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर्स। रेशियो, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, तो उसका 7.1 का फर्स्ट एक्सरसाइज है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन इज, फर्स्ट फाइंड द रेशियो ऑफ 36:64। अगर ऑब्जर्व करो ये दोनों भी 4 के टेबल में, 4 9 था, ओके 16:4, तो आंसर आया 9/16। इसको और डिवाइड नहीं हो रहा, इसको हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे। ये मेरा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्या रहेगा, 40 पैसे तो 3 रुपीज लेता है। देखो रेशियो में एक रूल होता है, वो रूल क्या है पता है आपका, दोनों का क्वांटिटी सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे पैसे, यहाँ पे रुपीज, नहीं चलता। तो आपको ये रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर इस पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना। तो बेटर है कि बड़े क्वांटिटी के छोटे क्वांटिटी में करा हमेशा, वो बेटर है। जैसे 40 पैसे को 40 रखते हैं और ये जो 3 रुपीज है उसको पैसे में कन्वर्ट करते हैं। ये दोनों कट हो जाएंगे, तो 40/300 और 4/3 है, तो इसका आंसर है 2/15। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, 2/15। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24 मिनट टू 1 आवर। तो 24 मिनट लिखा है और यहाँ पे 1 आवर लिखा है। देखो सेम लॉजिक है, अभी आवर जो है बिगर क्वांटिटी, इसको हम लोग छोटे क्वांटिटी कन्वर्ट करते हैं। तो 24 मिनट टू 1 आवर है ना, 60 मिनट है। इन दोनों कट किया, 6 4 द 6 10 द। देखो रेशियो में क्या होता है, मैंने बताया स्मॉलेस्ट नंबर होना, इसको और डिवाइड कर सकते, ये 2/5 बराबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 125 ml टू 2 लीटर। तो 125 लिखा ml, जैसे बताया था बड़े बड़ी क्वांटिटी छोटी क्वांटिटी में करो, थोड़ा काम इजी हो जाता है। तो 2 लीटर का हम लोग मिलीलीटर में करते हैं, तो 1 लीटर यानी 1000, तो 2 लीटर यानी 2000 मिलीलीटर है। ये जो कट हुआ, ये 125, इसको 25 के टेबल था, 25 5 था, 25 8 था और 18, तो 1/16। तो इसका आंसर है 1/16। ठीक है, सो नाउ विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ कॉपी टू द दैट ऑफ टी व्हेन कॉपी कॉस्ट इज 24 पर 100। उन्होंने बोला 24 पर 100 ग्राम है, और जो टी जो है ये इसको हम लोग कॉपी करते हैं, जो टी है उसके बारे में उन्होंने क्या लिखा है, 80 पर kg बोल। तो हमें क्या करना होता है, जैसे मैंने बताया ये दोनों भी पर 100 ग्राम में केजी है, पर केजी, तो हमें वही करना होता है, दोनों का क्वांटिटी सेम है, ये 100 ग्राम है, इसको केजी में करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये लॉजिक लगता है, याद रखिएगा। अगर 100 रुपए के लिए 24 रुपए है, जो 100 ग्राम के लिए 24 है, तो 1 kg के लिए कितना, तो 240 आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता क्यों। जैसे एग्जाम्पल बता था, अगर 1 kg आलू की प्राइस अगर 10 kg, 10 रुपए है, 2 kg की कितनी होगी, अभी इसे 20 होगी। तो सेम लॉजिक, अगर 100 ग्राम की उतनी है, तो 1 kg जो होता है, 1 kg जो होता है वो 100 ग्राम के कितने मल्टीपल्स है, 10 मल्टीपल्स है, राइट। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई। तो आया 240 × 10, 100 आया, 240 आया, 100 × 10, तो 1000 ग्राम आया, 1000 ग्राम एन यानी ही 1 kg, बराबर है। तो हमें रेशियो किसका निकालने का बोला है, कॉफी एच टू टी, तो कितना है, 240/80, इससे कितने, तो समझ में आया। तो हमें ये जो ग्राम है उसको मैंने केजी में कन्वर्ट किया, कैसे किया, मैंने दोनों का रेट बढ़ाया, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई, याद रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपका आंसर आएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत ही आएगा। क्योंकि मैंने, जैसे मैंने बताया, जब भी कभी आप रेशियो लेते हो तो रूल इज क्वांटिटी मस्ट बी सेम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कन्वर्ट दी फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। ओके, कन्वर्ट करना इसको परसेंटेज, तो 2/5। देखो याद रखो हमेशा परसेंट यानी डिनोमिनेटर पे 100 होता है। अभी आप सोचो ये यहाँ पे डिनोमिनेटर पे 100 कब आएगा, जब मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई करूँ,
तो मैथ्स में ऐसा होता है, अगर हम आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे यूनिट वो नहीं आना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं डिवाइड भी करते हैं, तब जाके आपका क्या आएगा फिर 40/100, तो यानी 40%। ठीक है, तो याद रखिएगा डिनोमिनेटर पे 100 आना इम्पोर्टेंट है, 100 यानी कि हम लोग एडजस्टमेंट करें, इसको दिया भी लिया भी, इसको 20 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी किया ताकि ये नहीं है मतलब यानी वो नहीं है, तो इसे बोलते हैं एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो नीचे का वैल्यू बढ़ा इसलिए ऊपर का वैल्यू उस परसेंट में बढ़ता है, तभी ये पॉसिबल है। तो आपका आंसर आ गया 40%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3:5, तो सेम लॉजिक से मुझे 100 लाने के लिए यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करने का, तो ये 60/100 तो आ गए 60%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 13:20, तो 20 है, 100 लाने के लिए मैं 5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ा डिवाइड भी करना, तो आएगा 65/100, तो ये आएगा 65%। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का मीनिंग ढूंढो। मैं बता रहा था, देखो मैथ्स में इज यानी क्या आता है, याद रखो इज का मतलब क्या होता है मैथ में, इक्वल टू होता है, हमेशा याद रखे, जब भी कभी आपको इज दिख रहा होगा तो आपको उसको इक्वल टू लिखना। तो इस क्वेश्चन को मैं वापस से लिखता हूँ तो मुझे आपको बताने के इजी है, कहा लिखा देखो, फाइंड डी नंबर, होल्स 13% इज 60, याद होगा 13% को कैसे लिखते हैं, 13/100 लिखते हैं। ठीक है, और हुज ऑफ मुझे हुज या फिर और मतलब हुज या फिर ऑफ इनका मीनिंग आता है मल्टीप्लाई, याद रखो देखो इज एन इक्वल टू 65, 13% अभी हुज एन मल्टीप्लाई, मुझे नंबर पता है क्या, नंबर वो नंबर पता है क्या, नहीं, इसको मैंने एक्स माना तो इसलिए यहाँ पे एक्स लिखा। ठीक है, ओके, तो ये आपको मुझे इसको बस एक्स को नंबर को सॉल्व करना है। अभी ये सॉल्व कैसे करना है मैं आपको एक बेसिक भी बताता हूँ, जब भी कभी इक्वल टू साइन आता है यहाँ पे कुछ टर्म्स है यहाँ पे कुछ टर्म्स है, आइदर एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वो कैसे होता है यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे डिवीजन पे तो कुछ रूल्स में बताता हूँ वो इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो कोरिलेट करने में नहीं जाएगा, जैसे कि a/b * अगर c होता है तो इसे लिख सकते ac/b, मतलब न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो, तो ये दिखेगा कैसे 13x/100 इक्वल टू 65, कोई भी नंबर के कुछ नीचे कुछ नहीं यानी वन होता है, बराबर है। अभी हमें क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, जैसे कि अगर a/b आता है इक्वल टू c/d होता है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये कब होता है जब अगर इक्वल टू साइन हो तभी होता है, जैसे इक्वल टू साइन हो अदरवाइज नहीं होता। तो आप कैसे करोगे, 13x * 1 इक्वल टू 65 * 100, तो आंसर क्या है आपका 13x = 65 100, सो एक्स इक्वल टू 65 100 अपॉन एक्स 13, तो एक्स इक्वल टू 5, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एकदम इजी था, दो तीन बार प्रैक्टिस करो, मीनिंग समझ में लो तभी आपको वर्ड प्रॉब्लम आता है, नहीं तो आपको पता ही नहीं चले करना क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, फाइंड डी नंबर, फाइंड हुज 6 1/4% इज 2, सेम लॉजिक इज एन ए इक्वल टू 2 लिखा, 6 1/4 6 4 = 24, 24 + 1 = 25, 25/4 ये देखो परसेंट यानी मैंने बताया था वो 100 लिखना ही चाहिए, अभी 100 लिखना कहाँ पे, इसको आप डायरेक्टली इसको दो ऑप्शन, इसको मल्टीप्लाई 100 करो, हुज एन एक्स मुझे पता नहीं है, तो 25/400 * x = 2, राइट, हुज एन मल्टीप्लाई करना, तो 25 1 20 यहाँ पे आप कटिंग कर सकते हो, 25 1 20 तो बचे 15, बचे 150, तो यहाँ 60, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, मतलब देखो वही रूल a/b * c, इसको क्या लिखो ac/b लिखो, तो आएगा ये x/16 = 2, यहाँ पे क्वेश्चन यानी वन हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x = 16 * 2, तो x की वैल्यू कितना आई, ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर
सिक्स में देखिए क्या लेगा, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर गुड इन मैथ। ओके, उन्होंने मैथ के बारे में क्या बता दिया, गुड इन मैथ्स बराबर 72%। ये याद रखिए, मैथ में ऑफ एंड मल्टीप्लीकेशन। स्टूडेंट्स पता है क्या, मुझे नहीं पता। ओके 72, ओके 72 स्टूडेंट, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट है, 25 स्टूडेंट्स से। देखो 72% है, 72% ऑफ 25, इसको मैथ्स में कैसे लिखते देखो, 72% है ना, 72/100 ऑफ है ना मल्टीप्लिकेशन ऑफ 25, तो कितना है 25, 25, 25 फोर द 100। इसको अगर मल्टीपल डिवाइड करते हैं, 84 × 4 यहाँ पे आएगा 89। तो इसका मतलब क्या है, 18 जो है गुड इन मैथ्स है। तो नॉट गुड इन मैथ्स कैसे कैसे आएगा, ऑब्वियस है नॉट गुड इन मैथ्स कैसे करें, टोटल कितने हैं आपके पास 25, उसमें से गुड कितने हैं 18 है, तो बचेंगे कितने 7, जो क्या होगा नॉट गुड इन आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पैटर्न समझ के लीजिए तो आपका काम थोड़ा इजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा, अ बास्केट कंटेन 350 एग्स है। ओके, बास्केट में टोटल एग्स कितने हैं 350। उसमें से क्या लेगा, ए 12% ऑफ द एग्स आर रोटन, रोटन यानी खराब हुए। तो उन्होंने ये बताया कि रोटन एग्स कितने हैं 12%, 12% ऑफ 350 निकालूंगा, तभी मुझे पता चलेगा ना कितने रोटन है। तो 12% यानी 100 डिवाइड बाय 100 ऑफ एनी मल्टीप्लिकेशन 350 करो, ये जीरो गया। इसको बस खाली कैलकुलेशन करो, 7 5 था, 5 से डिवाइड करो 7 2 था, इसको किया ये कितना है 6 है। ये आ गया आपका 42 आ गया। अगर 42 खराब है तो क्या लिखा है क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ एग्स गुड इनफ टू सोल्ड, मतलब ऑब्वियसली हम रोटन तो नहीं बेचेंगे, हम बेचेंगे गुड एग्स, मतलब हम बेचना है तो ऑब्वियसली मैं क्या करूँ, मेरे पास टोटल कितने थे 350 थे, उसमें से खराब कितने हैं 42 खराब है, तो आंसर क्या है 3 0। ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से देखिए तो आपको पता चले करना क्या। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा है मिस्टर हमी सेव्स 12%। ओके, उसने क्या लिखा है, सेव्स लिखा है 12%, उसकी सैलरी कितनी है 7 3 5 0। तो आप देखो, अगर मैं 7 3 5 0 का 12% निकालता तो मुझे क्या मिलेगा, उसका सेव्स मनी मिलेगा, उसकी जो सेविंग है मैं कैसे करूंगा, ऑब्वियसली जो सैलरी उसको मिल रही है 7 3 5 0, उसका अगर मैं 12% निकालता हूँ बराबर ना, मैंने इसलिए 12% 7 5 0 करूंगा तो मैं सेविंग मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने उन्हें वही बताया कि जो सैलरी है वो 12 सेविंग जो हो रहा है वो 12% हो रहा है आपका टोटल सैलरी का, इसलिए 12% ऑफ टोटल सैलरी, ये किया तो काम बन जाएगा मेरा। तो जीरो का जीरो गया, इसको फिर से हम लोग डिवाइड करते हैं, ये 5 से जाएगा। ओके 7 × 7 13, 2 आया, 2 4 आया, 3 का 7 हुआ, 2 का 2 6 का, सो 147 × 6 करते हैं, तो आपका जो भी आएगा दैट विल बी योर सेविंग। तो ये क्या आता है 147 × 6, ये आता है 882 आता है बराबर है। अभी 882 है तो एक्सपेंडिचर जो होता है, ऑब्वियस एक्सपेंडिचर है आपका खर्चा कितना हुआ, अगर मान लो आपके पास सैलरी आता है 7 3 5 0, उसमें से आपका सेविंग कितना ही बचेगा, तो इसको मैं माइनस कर देता हूँ, तो जो भी आएगा दैट विल बी योर एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर को आपको कैसे करना, जो सैलरी आती है उसमें से वो माइनस कर दो, तो कितना है आपका 6 4 6 8 आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो क्या लिखा है, अंकिता स्पेंड्स करती है, स्पेंड 92% ऑफ हर मंथली इनकम। ओके, उसका मंथली स्पेंड कितना करती है, स्पेंड यानी एक्सपेंडिचर, याद रखेंगे स्पेंड्स यानी एक्सपेंडिचर,
कितना है? 92% है, बराबर है। और सेल्स कितने करते हैं? देखो यहाँ पे पैसे के बारे में बताया, सेल्स कितने करते हैं? 550 करते हैं। अगर वो एक्सपेंडिचर 92% करते तो सेविंग कितना होगा? डेफिनेटली तो सेविंग होगा 8%। याद रखो आपको हमेशा दो चीजें होना चाहिए सेम सेम इन क्वांटिटी के बारे में। जैसे कि इस एग्जांपल में अगर आप ऑब्जर्व करोगे, इस एग्जांपल में मैंने क्या किया है, उसका सेविंग निकालना है तो मैंने सैलरी का कैलकुलेशन किया। सेम लॉजिक मुझे क्या है कि मैं सेविंग 88% है, सेल्स 50% है, तो मैं क्या करूंगा? देखो 8% ऑफ सैलरी कितना आएगा आपका? सेविंग आएगा ना, अगर 8% जो है सेविंग 8% हो तो इसका मैं निकालूंगा तो ऑटोमेटिक मुझे सेविंग मिलेगी। इसकी वैल्यू कितना है? 550 है, 8% यानी 100 लिखा। और सैलरी मुझे पता आएगा, इसको मैंने देखो सिंपल लॉजिक है, ये डिवाइड है, मैंने जैसे बताया था इसका कैसे करना आप? इसको पहले आप 8x/100 लिखो तो आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। 550/ कुछ नहीं, नहीं वन। अब इसके बाद पता है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो काम आएगा, तो 8x=550, एक्स इक्वल टू क्या आएगा? 550/8, तो x=4 2 4 1 1 है, 4 3 जा, ओके जल्दी करते करते 68.75। हाँ या ना, ठीक है। जो डिवाइड था मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना भूल गया था, इसे 100 किया, इसको थोड़ा ठीक करता हूँ। 8x=500 और 800 अपॉन अपॉन उसको बाद में करते हैं, तो ये 8 मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड होगा, x=, कितना है? 66.875। ठीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे याद रखिएगा, हम लोग जो देखो यहाँ पे जब भी कभी कैलकुलेशन करते हैं, सेविंग 8% है और सेविंग ऐसा ही होना चाहिए। अगर ये दिया है तो आपको उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए ताकि आप इसी के बेस पे कैलकुलेशन कर सकें। याद रखो तो एक्सपेंडिचर के बारे में बोला था लेकिन दिया सेविंग था, मैंने क्या किया फिर उसका उल्टा लिखा, 100 माइनस लिखा तो सेविंग मिला और फिर सेल्स के ऊपर, तभी आपका काम बनेगा, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है वो भी ऐसा ही है पार्ट, कुछ अलग नहीं है, उसको भी ऐसा ही करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो जैसे कि लिखा है 15% ऑफ वर्कर इन दी फैक्ट्री, मतलब 15% कौन है? मेल है। द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर, देखो उन्होंने क्या बताया, जो फीमेल वर्कर है वो है 272। देखो अभी यहाँ पे मेल के बारे में का परसेंटेज है लेकिन फीमेल के बारे में कौन, तो हमें क्या करना पड़ता है ऐसे केस में? जैसे ये वाला क्वेश्चन उससे पहले 9th वाला और 10th वाला सेम है, तो 15% अगर मेल है तो अब जैसे फीमेल कितने परसेंट होंगे? 85%। तो 85% का कितना? 272 होता है वो, तो 85% ऑफ टोटल, जब करूंगा टोटल वर्कर वही मेरा फीमेल का अकाउंट होगा, मतलब इसमें क्या बोलते हैं इसको, वही टोटल फीमेल का अकाउंट होगा उस कंपनी का 272 बराबर। सो 85/100 x=272, और जैसे मैंने बताया था अपना वही रूल a/b × c होता है, तो याद रखिए सो हमेशा होता है ac/b होता है, तो दिखेगा कैसे? 85x/100 = 272, ये डिवाइड कर इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, राइट, कुछ नहीं यानी वन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है? सो 85x × 272 × 100 आया 85x = 272, x=272 100 अपॉन एक्स की वैल्यू कितना है?
72 इसका आंसर आ रहा है 320 है। तो उस कंपनी में टोटल कितने लोग काम करते हैं? 320। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या लिखा देखिए। इन अ क्लियरेंस सेल शो कंपनी रिड्यूसेस प्राइस बाय 16%। उन्होंने क्या बताया है? प्राइस रिड्यूस हुआ है कितने परसेंट से? 16%। इफ द रिड्यूस प्राइस बताएं, जो रिड्यूस प्राइस, रिड्यूस मतलब ऑलरेडी हो चुकी है, रिड्यूस प्राइस जो है वो कितना है? 277.20। तो उनको क्या बताना है, पता है एक्चुअली, अगर किसी का प्राइस 100 है उसका प्राइस रिड्यूस होकर कितना हुआ? 86, मतलब 16% हुआ है, मतलब 84%। तो उनको क्या बताना है, इस 84% की प्राइस कितना है? 272। तो रिड्यूस प्राइस कितना, उसकी प्राइस कितने से परसेंट रिड्यूस हुआ? 16%। तो उसका जो करंट प्राइस है, तो कितना आएगा? अपन हम लेशा 100 - 16 करते हैं तो आएगा 84%। और हमें उस 84% का क्या वैल्यू निकालना है ताकि आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, 84% ऑफ प्राइस करेंगे तो मुझे क्या आएगा? 277.20 आएगा। 84/100 ऑफ प्राइस, प्राइस पता है मुझे नहीं, तो इसका एक्स होती है। ठीक है, अभी बस कैलकुलेशन कर दो, काम बन जाएगा। आप यहाँ पे भी डिवीजन कर सकते हो, थोड़ा इजी रहता है। तो इसको मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 2 4 1 यहाँ पे 20। तो दिखे कैसे है? 21/25 एक्स इक्वल टू 277.20। तो सेम लॉजिक से यहाँ पे कुछ नहीं, 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 21x इक्वल टू 277.20 इनटू 25। तो x इक्वल टू क्या? 277.20 इनटू 25/21। तो x इक्वल टू क्या आएगा, जो भी आपका आंसर आएगा उसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। टू सेवेंटी सेवन पॉइंट 20 इंटू 25 डिवाइड बाय 21 आ गए 330 आ गए। तो आपका ये आंसर आ गए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे भी वही किया हम लोगों ने, अगर ऑब्जर्व करोगे, हम लोगों ने उल्टा निकाला, हमेशा इस केस में वैसे उल्टा निकाला, जब 16% कम करके 18.4%, 84% का ही वैल्यू है। वही क्वेश्चन था, यहाँ पे भी मेल 15% दिए थे तो फीमेल कितने हुआ? 85% हुआ, उसका 272 था। यहाँ पे भी उसका एक्सपेंडिचर उतना था लेकिन सेविंग 350 दिया था, तो इसका सेविंग कितना हुआ? 8% का 550 निकाला। तो आपका वैसा ही लॉजिक करोगे तभी आपका आ गया। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या लिखा नहीं देखा। द सैलरी ऑफ अ क्लर्क वो इंक्रीज बाय 7%। ओके, उसका सैलरी अगर मान लो, तो एज्यूम करते हैं उसका जो करंट सैलरी है, देखिए उसका जो करंट सैलरी है, मतलब करंट के नहीं प्रीवियस सैलरी बोलते हैं, वो मान लो 100 है। मेजर का प्रॉब्लम है, कट ऑफ क्या विंडो अनुसार? अच्छा हाँ, अभी मैं क्या बोल रहा था कि इसका जो सैलरी है ये 7% है। देखो मान लो इसका जो प्रीवियस सैलरी था, वो 100% था, उसका सैलरी कितना से बढ़ा है? 7%। तो करंट सैलरी कितना है उसका? 107% होगा। अब 107% का ये निकालूंगा, मतलब 107% का ऑफ करंट सैलरी लिखूंगा, मतलब जो क्या बोलते हैं इसको, एक्स निकालूंगा, वो कितना आएगा? 6077.00। देखो ये इंक्रीज सैलरी है और इंक्रीज के बारे में, तो ऐसा सेम क्वांटिटी जब आपका आंसर है, तो 107% यानी डिवीजन ऑफ एनी मल्टीप्लिकेशन एक्स इक्वल टू 6077.60।
ये डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई होता तो क्या आएगा, इसको सेम लॉ, इसको थोड़ा ठीक करते हैं। तो ये डीके का कहता है 107x 100 इक्वल टू 6077.60। ये डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई होता 6077.60.07 एक्स इक्वल टू क्या 6077.60/107। एक्स कितना आएगा इसको हम डिवाइड करते हैं 6077/5680 आंसर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम लॉजिक है, देखो उसका करंट सैलरी कितना है 6077 की, जो आपका करंट सैलरी के हिसाब से मतलब जो अमाउंट दिया था उन्होंने, करंट सैलरी का अमाउंट वाला और वो परसेंटेज वाला वो सेम होना चाहिए, तभी आपका कैलकुलेशन कर सकते हैं। पूरा चैप्टर इसी के ऊपर अगर ऑब्जर्व करोगे तो 13 क्वेश्चन देखें। इन एन एग्जामिनेशन 96% पास, देखो 96% जो है पास हुए, तो फेल कितने परसेंट हुए, 4% फेल हुए। उसका अकाउंट कितना दिया है, 50 दिया, तो वही लॉजिक। तो 4% ऑफ टोटल जो होगा दैट विल बी 50, तो 4/100 × x = 50। इस केस में कैसे करेंगे, ये इसको जाएगा 4x/100 = 50, तो 4x = क्या आएगा 50 × 100, 4x = क्या आएगा 5000, x = क्या आएगा 5004। तो ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7.2 का एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, 7.2 के एक्सरसाइज में मैं आपको पहले डिस्काउंट क्या होता है वो बताता हूँ। उसका सिर्फ दो ही फॉर्मूला है, अगर आप दो ही फॉर्मूला ध्यान से देखोगे और सारा कंसेप्ट समझ के लोगे वो पूरा फॉर्मूला जाएगा। ठीक है, आप जब भी कभी कोई शॉप में जाते हैं तो आपको शॉप में जो डिस्काउंट देता है वो एमआरपी पर देखें। एमआरपी यानी इसको बोलते हैं, दूसरा नाम है मार्क प्राइस। ठीक है, अगर मान लो कोई वस्तु अगर 100 रुपीज का, अगर उन्हें बोला कि इसके ऊपर डिस्काउंट 20% है, तो इसकी प्राइस कितनी होगी, एट एंड में आपको कितना मिलेगा, तो सबको ओरली कैलकुलेट करते हैं वो बताते हैं 80। लेकिन 80 कैसे है उसके लिए दो स्टेप का कैलकुलेशन है, वो याद रखिएगा। वो दो स्टेप अगर जिसको समझ में आया और उसका मीनिंग समझ में आए तो आपका सारा पूरा चैप्टर का फंडा समझ में। तो मुझे पता है उसकी प्राइस कितना है, उसकी मार्क प्राइस है 100 रुपये, मैं डिस्काउंट कितना दे रहा हूँ 20%, तो मुझे इसको प्राइस कितना मिलेगा। ये प्राइस यानी सेलिंग प्राइस, याद रखिए ये जो होता है ना ये प्राइस ही सेलिंग प्राइस होता है, क्योंकि 20% डिस्काउंट देने के बाद आप दुकानदार को पैसे पे करते हैं ना, इसीलिए दुकानदार को जो बेचता है दैट इज सेलिंग प्राइस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप होता है मुझे डिस्काउंट निकालना। डिस्काउंट कैसे का फॉर्मूला क्या है, मार्क प्राइस इंटू रेट ऑफ डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस कितना है 100 है, इसका 20 रेट, अब मतलब ये परसेंट में होता है, परसेंट है ना डिवाइड 100, तो ये हुआ आपका 20। आंसर कितना है 20। तो ये स्टेप वन हुआ। स्टेप टू क्या हुआ, इसी को ही सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो आपका सेलिंग प्राइस क्या हुआ, वो हमेशा मार्क प्राइस से माइनस होता है। तो मार्क प्राइस कितना है 100 था, डिस्काउंट कितना था 20 था, आपको कितने का मिला हुआ 80 रुपये। राइट, जिसको ये दो स्टेप समझ में उसको मान लो पूरा चैप्टर। ठीक है, अभी सारे जो क्वेश्चन हम इसी के बेस पे करते हैं, दो स्टेप में आ जाते हैं। देखो मार्क प्राइस कितना बताया उन्होंने 30 रुपये बोला, इट इज सोल्ड एट 15%, तो डिस्काउंट कितना दिया है 15%। फाइंड द सेलिंग प्राइस एस पे करते हैं बरो। तो स्टेप वन डिस्काउंट निकालो, पहले डिस्काउंट कितना है, पहला स्टेप डिस्काउंट किसका, मार्क प्राइस इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस कितना है 30 है, उसका रेट ऑफ डिस्काउंट 15% है।
ये जीरो का ये जीरो, 5 3 था 5 2 था, तो ये कितना 9/2, 9/2 यानी 4.5। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या था? सेलिंग प्राइस बोला, सेलिंग प्राइस यानी मार प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार प्राइस कितना आपका 30 है, माइनस 4.5 करो तो ये आएगा आपका 25.5। हो गया पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अ टेबल मार्क प्राइस 200, तो ओके सर मार्क प्राइस कितना है 1200, वॉज सोल्ड टू कस्टमर 1100, ओके उन्होंने सेलिंग प्राइस दिया बराबर ना, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट बोला है, तो रेट ऑफ डिस्काउंट निकाल इसको हम लोग एक्स परसेंट, तो से स्टेप वही करना है, तो डिस्काउंट इक्वल टू मार प्राइस इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट, तो मार प्राइस कितना है मेरा 1200 है, रेट ऑफ डिस्काउंट पता है क्या? नहीं, मैंने इसको एक्स परसेंट लिया राइट, एक्स परसेंट परसेंट है डिवाइड बाय 2 0 को 2 0 में, तो आएगा कितना ये 12। सेकंड स्टेप क्या होता है अपना? सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है। सेलिंग प्राइस कितना दिया 1100, मार प्राइस कितना है 1200, माइनस डिस्काउंट कितना है 12x। देखो अब जिसकी भी वैल्यू निकालो दैट शुड बी पॉजिटिव, तो माइनस 12x से इधर जाके क्या हुआ प्लस हो रहा, तो 1100 प्लस 12x इक्वल टू 1200, सो 12x इक्वल टू क्या होगा 1200 माइनस 1100, सो 12x इक्वल टू क्या है 100 आ, एक्स इक्वल टू क्या है 100 डिवाइडेड बाय 12, तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा उसका कैलकुलेशन करो, तो जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी परसेंटेज, तो 100 डिवाइडेड बाय 12 8.33%। मेरे पूरे स्टेप 21 में किया है, दो ही फॉर्मूले के बीच में कुछ कर रहा हूँ नहीं, ख्याल रखो, तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि सारा कंसेप्ट इसी दो फॉर्मूले के ऊपर है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो, अ शर्ट वॉज सोल्ड फॉर 442, सोल्ड लिखा है मैंने एसपी लिखा है 442, आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 15%, डिस्काउंट उन्होंने कितना दिया है? ऑन दी मार्क प्राइस, मार्क प्राइस मुझे पता है क्या? नहीं, इसका एक्स मिलता है, ठीक है। वही स्टेप अपना, स्टेप क्या है? डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट, मार्क प्राइस कितना है मेरा एक्स, रेट ऑफ डिस्काउंट देता हूँ 15%, तो देखिए कितना 15x/100, इसको आपको 5 से डिवाइड करते हो, 5 3 था 0.20 था, तो डिस्काउंट कितना 3/20 है राइट, 5 से डिवाइड कर दो और तो सेम रहा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो मार प्राइस हुआ एक्स, डिस्काउंट हुआ 3x/20, सेलिंग प्राइस कितना 4 4 2 बराबर है। अभी यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, तो हमेशा याद रखे, बहुत लोग कंफ्यूज है, इक्वल टू साइन और प्लस माइनस के कहते हैं, जब भी कभी ऐसा पैटर्न हो ए अपॉन बी और सी अपॉन डी होता है, जब भी इक्वल टू साइन होता है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ए डी माइनस बी सी करते हैं सी राइट, मतलब ए इसको डिवाइड मल्टीप्लाई होता है, ए इसको मल्टीप्लाई होता है, लेकिन यही लॉजिक अगर इसमें होता है प्लस और माइनस से कहते हैं, देखो अभी का जो केस है एक्स अपॉन 1 माइनस 3x/20 है राइट, तो यहाँ पे प्लस माइनस साइन, प्लस माइनस साइन होता है तो हमेशा आपको एलसीएम निकालना होता है, एलसीएम निकालने का बेस्ट वे क्या होता है पता है? एच वाला फंडा होता है, मराठी मराठी में से 4 निकाल देते हैं, तो पहले इन दोनों का कैलकुलेशन करो, ये वाला तो कितना आएगा एक्स इन 20 20 एक्स, फिर इन दोनों का कैलकुलेशन करो कितना आएगा माइनस 3, फिर इन दोनों का कैलकुलेशन करो कितना आएगा 20 20 आएगा ना, ये कब करना है? जब भी कभी प्लस और माइनस साइन हो और डिनोमेटर सेम ना हो, तो यहाँ पे वही है कुछ नहीं, यानी वन है डिनोमेटर सेम है क्या नहीं और प्लस और माइनस में,
तो 4 4 2 इक्वल टू 20x, ये वाला मल्टीप्लिकेशन क्या, फिर ये वाला क्या अपॉन 20 का, तो डिवाइड कर जाकर मल्टीप्लाई होगा 4 4 2 इंटू 20 इक्वल टू 17x। तो अब ये मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड होगा 4 4 2 इंटू 20 अपॉन 17। तो ट्राई करो पहले इसको कट होता है, देखो 17 वन जाकर 17, 17 टू था 34, तो बचा 10, 10 का हुआ 1 0 रूट, 17 6 था, तो x इक्वल टू कितना है 520 रुपये। तुम्हारे पास किसका है, देखो स्टेप वन स्टेप टू कुछ भी नहीं चेंज किया है, वही लॉजिक से। तो ये वाला थोड़ा सा याद रखिएगा, इक्वल टू होता तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, प्लस माइनस होता था हम लोग एलसीएम निकाल के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। अ शॉपकीपर, अ शॉप की इन ऑर्डर टू क्लियर हिज ओल्ड स्टॉक ऑफ टीवी ऑफर्स 12% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना है 12% है। इफ द मार प्राइस उन्होंने क्या पता है 6500, उन्होंने क्या धोने के लिए बोले सेलिंग प्राइस, सेम इतना दी है, तो वही अपने दो स्टेप, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 6500 और 12%, तो कितना आएगा 65 में 12, 780 है। दूसरा मुझे इसका सेलिंग प्राइस ढूंढना है, सेलिंग प्राइस कौन हो गया मार प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार प्राइस कितना है 6500, डिस्काउंट कितना है 780, 6500 माइनस 780 कितना है 5720 हो गया आपका आंसर, दो ही स्टेप। ठीक है, तो ये वाला भी होगा क्वेश्चन 5 का थे। आफ्टर अलाउिंग 25% डिस्काउंट ऑन दी मार प्राइस, ओके मार प्राइस के बारे में कुछ बता नहीं रहे, बस बता रहे हैं मार प्राइस एक्स हुआ, डिस्काउंट कितना दिया 25%, और सोल्ड फॉर 250, एसपी इसका कितना हुआ 25%, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू मार प्राइस इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट, राइट, मार प्राइस कितना है इसका एक्स है, रेट ऑफ डिस्काउंट कितना 25% यानी 100, इसको कितना है 25, 25 4 का, तो एक्स अपन 4 आ गया इसका डिस्काउंट। नेक्स्ट पढ़ेगा, ये स्टेप वन हुआ, स्टेप टू सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार प्राइस कितना है मुझे देखो, मार प्राइस है मेरा एक्स है, डिस्काउंट कितना है एक्स अपॉन 4 है, सेलिंग प्राइस कितना है इसका 240, वही लॉजिक देखो, पहले इसको ठीक करना पड़ेगा, इसको ठीक कैसे करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन यानी वन आएगा प्लस माइनस 10 मैंने बोला था, तब के केस में एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, इसका क्या आएगा एक्स अपॉन 1 माइनस इन दोनों कंडीशन करो 4x आएगा, माइनस इन दोनों कंडीशन करो एक्स आएगा अपॉन 1, तो कितना आएगा 240 इक्वल टू 4x माइनस एक्स अपॉन 4, 240 इक्वल टू क्या है 3x अपॉन 4 आएगा, ये डिवाइड इसका मल्टीप्लाई होगा 240 इंटू 4 इक्वल टू 3x आएगा, तो 240 इंटू 4 अपॉन 3 इक्वल टू एक्स, 3 1 3 अगर आप देखो 8 आएगा, 80 आएगा, एक्स इक्वल टू 320, ठीक है, हो गया आपका मार्क प्राइस, ठीक हम लोग पॉइंट कर देते हैं।